शास्त्र कहते हैं मेरी माँ कि जो पत्नी अपने पति को कृष्ण से अलग मानती है उस पत्नी को गौ हत्या का पाप लगता है। जो पत्नी अपने पति को स्वभर्तरी चा कृष्णे चा स्वभर्तरी चा कृष्णे चा भेद बुद्धिम करोतिया। जो पत्नी अपने पति में और भगवान कृष्ण में अंतर मानती है उसे गौ हत्या का पाप लगता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए अपने पति को ही परमेश्वर मानना चाहिए। जो पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती हो और जो बेटा अपने पिता और माँ को भगवान मानता हो उन्हीं को बिहारी जी के मंदिर में भगवान का दर्शन हो सकता है, वरना सबके लिए पत्थर की मूर्ति है। भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन वही कर सकता है, वही कर सकता है जो अपनी पत्नी जो अपने पति को भगवान मानती हो और जो बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानता हो। वो बिहारी जी के मंदिर में क्या देखेगा? जोर से भगवान। और जो अपने माँ बाप को भगवान ना मानता हो, पति को भगवान ना मानती हो, वो बिहारी जी के मंदिर में क्या देखेंगे? सिर्फ मूर्ति, सिर्फ आप लोग कहते हैं पत्थरों की पूजा। पत्थरों की पूजा आपको इसलिए दिखती है क्योंकि आप इंसानों में भगवान को देखते ही। पत्थर में भगवत बुद्धि दूसरे नंबर पर है, पहले माँ को, पिता को, पति को, बच्चों को भगवान मानो। छोटे छोटे बच्चों को भगवान के रूप में देखना चाहिए। सब भगवान हैं ये मान के संसार में चलो। देखो देखो सबका अपना अपना नजरिया ही तो है देखने का। हम संसार को नहीं बदल सकते लेकिन अपने देखने का नजरिया तो बदल सकते हैं। बताओ संसार बुरा है या देखने का नजरिया बुरा होता है? कोई भी चीज बुरी तब लगती है जब गलत नजरिए से देखी जाए, और चीज सही तब लगती है जब वो सही नजरिए से देखी। कांटा, बताओ कांटा बुरा होता है कि अच्छा होता है? कांटा अच्छा होता है कि बुरा होता है? आप बताओ। कांटा यदि किसी के पांव में घुस जाए तो बुरा है, पर घुसे हुए कांटे को निकालने के लिए कांटा मिल जाए तो कांटा अच्छा है। तो नजरिए से पता चला कि ये एक नजरिए से कांटा बुरा है और एक नजरिए से कांटा। तो संसार को देखने के दो ही नजरिए हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब आप किस नजरिए से देखते? लोग कहते हैं संसार बुरा है, संसार नहीं बुरा, नजरिया बुरा है। नजरिया अच्छा हो जाए तो संसार बहुत अच्छा है। बस आप अपने नजरिए को ठीक कर लीजिए और नजरिया तब ठीक होगा जब आप पहले इंसानों में भगवान का दर्शन करना सीखेंगे। तो आज से आप कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ को भगवान से कम नहीं मानेंगे? पहले भगवान हमारी, जोर से और जोर से, पहली भगवान हमारे माता पिता, और पत्नियां आपके भगवान, जोर से आपके भगवान पति। आप पति को भगवान मान लें और भगवान की तरह उनका आदर सम्मान, उनकी बात भगवान की तरह की, ये भगवत आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। तो माता अनुसुईया ने कोई जप तप ना किया था,
माता अनुसुईया ने केवल अपने पति की सेवा करके इतनी बड़ी ताकत प्राप्त कर ली उन्होंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब परीक्षा लेने आए तो तीनों को बच्चा बनाकर अपने आंगन में खिलाया था और अपना दूध पिलाया था। माता अनुसुईया ने डाल दी वो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज उनके जीवन की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तो ताकत है, एक पत्नी अनुसुईया माने एक सावित्री की कथा सुनी होगी आपने। पति को ले आई अमराज से, ताकत है। एक काम को, एक कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। एक आदमी हर आधे घंटे में यहां खोदे, फिर आधा घंटे में वहां खोदे, फिर आधे घंटे बाद वहां खोदे, पूरे खेत में खोदा, पानी नहीं मिला। और उसके बगल वाला खेत का था आदमी, वो एक ही जगह खोद रहा था, तो खोदता एक ही जगह पर चला गया, पानी मिल गया। 10 जगह खोदने पे पानी मिलेगा कि एक ही जगह पर खोदते रहने से पानी मिलेगा? बोलो, एक जगह पर स्थिर रहिए। एक साधे सब सद है, एक माँ में भगवत भाव बना लो, एक पति में भगवत भाव बना लो। जब एक में भगवान दिखने लग जाएंगे, जब आप गांठ है ना मेरी माँ, कोई भी गांठ हो आप, आपके पास 2 साल पुरानी मैं गांठ दे दूं किसको खोलना है, तो बताइए उन गांठों में सबसे ज्यादा समय कौन सी गांठ लेती है, पहली या आखिरी? पहली। यदि एक गांठ खुल गई तो बाकी की गांठें, समझ रही है ना बात? एक गांठ खोलना है जीवन में, एक खुल गई तो जो 10-20 और लगी थी वो खुलती चली जाएंगी। एक माँ बाप में यदि भगवान का दर्शन हो गया, एक पति में भगवान का दर्शन हो गया, तो फिर पत्थर हो, इंसान हो, जानवर हो, सब में भगवान का दर्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत है ये। आप कहते हैं भगवान कहाँ है, तुम्हारी सामने बैठे हैं भगवान, पहचाननी नहीं है। धोबी के पास हीरा है, वो जानती नहीं कि हीरा, वो तो पत्थर मानता। आपने अपनी माँ को क्या माना है? कहाँ मानते हैं आजकल बच्चे अपनी माँ को, कहाँ सम्मान करते हैं आजकल बच्चे अपनी माँ का, कितना सम्मान है। आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ, जो कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले बीमार पड़ी, उनको इलाज कराया, वेंटिलेटर इत्यादि पर थी, 8-10 दिन में वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद अचानक फिर ठीक थी, 1.5-2 महीने तक खूब स्वस्थ थी, चलती फिरती थी। ये मेरी माँ जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये आज भगवान के परम धाम को चली गई। और यही गौरी गोपाल आश्रम में ही माँ का शरीर आज, कल ही शाम को 5:15 ही भगवत धाम को चली गई। फिर आज इनके पुत्रों को कल ही सूचना दी गई, तो इनके बच्चे आए, और फिर आज बच्चे सेवा करते तो माँ को यहाँ क्यों आना पड़ता? माँ जब गई तो ये दास ने, फिर बच्चे आए, उनके बहू भी आई, पोता भी आए, बेटा भी आए। माँ की अंतिम विदाई आज की गई, और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से आज हमारी माँ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी इन माँ को अपने चरणों में ही स्थान देना, क्योंकि वृंदावन धाम में शरीर पूरा हुआ है, माँ को तुलसी, गंगा जल इत्यादि का सेवन करा के, और फिर माँ की आज अंतिम विदाई हुई। ये माँ कौन है? ये माँ ना होती तो हम ना होते।
माँ भगवान है, इसलिए अपनी माँ को भगवान मानकर हर बच्चे को सेवा करनी चाहिए। अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। कितना कष्ट होता है उस माँ को जब उनके अपने बच्चे बात नहीं करते, अपनी बहुएं बात नहीं करती, अपना पोता पोती बात नहीं करते। मेरी उम्र के तो पोता थे मैया के, बेटे के बेटे। बस मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते बाद में आके आंसू बहाना, बाद में आके रोना कोई फायदा नहीं है इसका। मरने के बाद आंसू बहाना अच्छा नहीं लगता, तब जब जीते जी आपने सेवा ना की हो, तो मरने के बाद आंसू बहाने से फायदा क्या है। इसलिए जीते जी सेवा करना मानव का धर्म है और वही हम सबको करना चाहिए।